हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक नया दिन नया सवेरा और मैं हाजिर हूँ एक नए नवेले टॉपिक के साथ। हम पढ़ने वाले हैं अब पार्ट टू, व्हाई डू वी फॉल इल, क्लास 9 चैप्टर बायोलॉजी। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी इन्फेक्शियस एजेंट्स का स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उन इन्फेक्शियस एजेंट्स को कैटेगरिकली पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। ठीक है, आज हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ग्रुप्स हैं ये। ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोआ, क्या होता है, इनमें सिमिलैरिटीज रहती हैं। ठीक है, अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस में भी सिमिलैरिटीज है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया के जो ह्यूमंस हैं अमेरिका के ह्यूमंस में बहुत भारी फर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस तो सब में सेम होनी है। उसी तरह वायरसेस में या बैक्टीरियाज में उनकी जो भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, लाइफ प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस आर सेम। ठीक है, तो क्या होता है ना, अब हमें यहाँ से रास्ता मिलता है ट्रीटमेंट का। ठीक है, कि जैसे अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हुआ है किसी पर्सन को, तो ट्रीट कैसे करना है। तो अगर जैसे एक पेनिसिलिन करके एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो क्या करता है वो बैक्टीरिया है ना, सेल वॉल बनाता है। ठीक है, उसका एक लाइफ प्रोसेस क्या है, सेल वॉल बनाना। क्यों बनाता है वो, अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो सेल वॉल के प्रोडक्शन को ना वो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक रहता है वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जो भी है बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते होंगे उनमें वो पेनिसिलिन कारगर साबित होता है, काम कर जाता है। ठीक है, और उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, इस तरह बैक्टीरिया सेल वॉल बना नहीं पाते हैं और वो खुद ही मर जाते हैं। ठीक है, तो बच जाते हैं, डिजीज़ फ्री हो जाता है ह्यूमन। ठीक है, तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करें। ठीक है, तो लिख लीजिए, यही चीज़ यहाँ है। ठीक है, दीज कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज, मेंबर्स ऑफ ईच कैटेगरी लाइक वायरस, बैक्टीरिया, ईटीसी। ठीक है, जो भी होगा उनका क्या होगा, अपने ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, लाइफ प्रोसेस बहुत से कॉमन होते हैं। ओके, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड, विच मींस मेनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप। एज अ रिजल्ट, ड्रग दैट ब्लॉक्स वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अगर किसी एक मेंबर के किसी एक लाइफ प्रोसेस को अगर एक ड्रग ब्लॉक कर दिया तो वो बाकी मेंबर्स में भी वो प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और यूजफुल हो जाएगा वो ड्रग। ठीक है, उस ग्रुप के लिए। लेकिन हाँ, वही ड्रग जो होता है ना वो दूसरे कैटेगरी या दूसरे ग्रुप के लिए यूजफुल नहीं है। जैसे बैक्टीरियल एंटीबायोटिक वायरस में काम नहीं करता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं कि क्यों नहीं करता है, वो अगला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एग्जांपल, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स बायोकेमिकल पाथवे थ्रू विच बैक्टीरिया मेक देयर सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया डाइज, दिस एंटीबायोटिक वर्क्स इन मेनी अदर मेंबर्स ऑफ द बैक्टीरिया ग्रुप। ऑब्वियसली जो सेल वॉल बैक्टीरिया में तो बनता ही है। ठीक है, तो सेल वॉल बनाने वाले जो भी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, क्या होगा उनमें, वो काम कर जाएगा और फिर मर जाएंगे, वो सेल वॉल बना नहीं पाएंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, इट डज नॉट इफेक्ट ह्यूमन सेल्स। ठीक है, ह्यूमन सेल्स में इफेक्ट क्यों नहीं करता पेनिसिलिन, क्योंकि ह्यूमन सेल्स सेल वॉल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लिख लीजिए आप इसे। तो स्टूडेंट्स, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई एंटीबायोटिक्स डज नॉट वर्क इन वायरल डिजीज। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वायरल डिजीज में काम क्यों नहीं करती हैं। तो जैसा कि एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं वो लाइफ प्रोसेस जो भी होती है ना बैक्टीरिया में, उनमें कोई स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, कोई भी अगर एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, तो वही काम एंटीबायोटिक करता है बैक्टीरिया में। ठीक है, लेकिन वायरसेस का क्या होता है ना, खुद का उनका लाइफ प्रोसेस जो होता है ना, नंबर बहुत कम होता है। ठीक है, वो अपना जो साइकिल है ना वो सेलुलर मैकेनिज्म होस्ट का यूज़ करके चलाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अगर वायरस घुस गया तो हमारे सेल्स को ही यूज़ करके अपना वो प्रोसेस सारा करते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो क्या होता है, अब एंटीबायोटिक्स हमारे सेल्स को तो अटैक नहीं कर सकता, हमारे सेल्स को तो इफेक्ट नहीं ना डाल सकता। ठीक है, तो इसीलिए कारगर नहीं हो पाता है। बहुत ही कम लाइफ प्रोसेस बैक्टीरिया में होते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल जो मतलब जो डिजीज ड्रग्स होंगे वो एक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको टारगेट ही कम मिल पाता है, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्या, एंटीवायरल ड्रग्स बनाना इन कंपैरिजन टू एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। ठीक है, तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना वो नॉर्मली वायरल डिजीज पे नहीं काम करते हैं। क्यों, क्योंकि लाइफ प्रोसेस ऑब्वियसली वायरसेस के पास बहुत ही कम होता है जिन पे एंटीबायोटिक्स टारगेट कर पाए। ये तो क्योंकि होस्ट का ही सेलुलर मशीनरी यूज़ करते हैं, होस्ट बॉडी का ही सेल यूज़ करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। ठीक है, वायरसेस का क्या होता है स्टूडेंट्स ना, कि जब वो नॉन लिविंग थिंग के ऊपर हो ना तो वो नॉन लिविंग थिंग है, नथिंग, इट हैज़ नो लाइफ। और जैसे ही वो लिविंग थिंग के अंदर आ जाएंगे उनमें लाइफ आ जाता है। मतलब इन्हें इसीलिए कहा जाता है, दे आर द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड द डेड। ओके, नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं वो क्या अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर अटैक करते हैं,
यह एक स्पेसिफिक ऑर्गेन होता है उनके लिए, ठीक है। कहाँ पे कैसे होता है मैकेनिज्म, तो आइए इसे देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सिलेक्शन होता है ना माइक्रोब्स का, वो बेसिकली तो एंट्री लेवल पे ही बेस्ड होता है कि माइक्रोब इंटर कैसे किया बॉडी में, ठीक है। अगर नोज के थ्रू इंटर किया तो वो क्या करेगा, लंग्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर माउथ के थ्रू इंटर किया तो क्या करेगा, वो गट लाइनिंग को इफेक्ट करेगा, लीवर के पास जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, ओके, ठीक है। तो यही होता है आपका, जैसे मान लीजिए दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री, जैसा कि मैंने कहा इफ दे इंटर फ्रॉम एयर वाया नोज दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स, ओके। बैक्टीरिया काउजिंग टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। व्हेन इंटर्स थ्रू माउथ, जब ये माउथ से इंटर करता है तो कैसा बिहेव करेगा, ये टाइफॉइड में जाके चला जाता है, ये गट लाइनिंग में चला जाता है, ठीक है, और टाइफॉइड बैक्टीरिया की तरह वहां पे रहता है और एक्ट करता है, और नहीं तो फिर क्या करेगा, वो लीवर तरफ चला जाएगा, लीवर के साइड भी चला जाता है, और जैसे वायरसेस वहां जॉन्डिस क्रिएट करते हैं वैसे ये भी वहां जॉन्डिस क्रिएट कर सकता है, ओके। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यही केस हो कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू पहुंच रहा है और उससे जिस लाइनिंग का जिससे लिंकअप है जिस ऑर्गन से वहीं पे जाकर अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं। जैसे एचआईवी इन्फेक्शन सेक्सुअल ऑर्गन से बॉडी में इंटर करता है, लेकिन वो स्प्रेड कहाँ जाके कर जाता है, पूरे ऑल ओवर बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, वहां पर चला जाता है वो, ओके। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका पाथवे वायरस, जिस पाथवे से वायरस बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब घुसा है, जरूरी नहीं है कि उससे टारगेट एंड पे चला जाएगा वो हो सकता है बॉडी के कहीं भी पार्ट में जा सकता है वहां से, ठीक है, जरूरी नहीं है सर, ओके। अब उसी तरह मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया मॉस्किटो बाइट से होता है, ब्लड स्ट्रीम में वो भेज देता है माइक्रोब्स, लेकिन माइक्रोब्स ब्लड स्ट्रीम में नहीं रहते हैं, वो लीवर में जाते हैं और वहां जाकर अटैक करते हैं, ठीक है। उसी तरह का केस क्या हो जाता है, फिर उसी तरह का केस हो जाता है वायरसेस में जिसमें जो ब्रेन फीवर काउज करते हैं, इनका नाम होता है दूसरा जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर, ठीक है। तो ब्रेन फीवर भी क्या होता है, मॉस्किटो बाइट से एंट्री लेता है माइक्रोब उसका, और वो कहाँ जाकर अटैक करता है, ब्रेन पे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, क्या जब माइक्रोब इंटर करते हैं बॉडी में तो क्या साइन और जो सिम्टम होते हैं वो टारगेट ऑर्गन पे ही डिपेंड करते हैं कि क्या साइन और सिम्टम दिखाएंगे? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे केसेस में टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स या ऑर्गेन स्पेसिफिक इफेक्ट्स देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कोई माइक्रोब लंग्स में घुस गया तो हमारा क्या लंग्स अफेक्टेड हो जाएगा, और लंग्स अफेक्टेड हो जाएगा तो क्या हो गया, कफिंग होगी, ब्रेथलेसनेस फील होगा, ओके। उसी तरह फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर लीवर को टारगेट कर लिया किसी माइक्रोब ने तो क्या होगा, लीवर को अगर टारगेट कर लेगा तो हमें जॉन्डिस होने के चांसेस हैं। उसी तरह अगर ब्रेन को टारगेट कर लिया गया तो क्या होगा, वॉमिटिंग होती है, हेडेक्स होते हैं और अनकन्सियसनेस लगता है, अनईजी फील होने लगता है, ठीक है, हमें चक्कर आने लगता है, ठीक है। उसके बाद इनके अलावा टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स के अलावा ना कॉमन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है अगेंस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। तो एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो रिक्रूट करता है मेनी सेल्स को, ठीक है। क्या करते हैं वो सेल्स अफेक्टेड टिश्यूज में या एरिया में जाते हैं बॉडी के, और वहां पे जो भी माइक्रोब होता है उसे किल करते हैं, ठीक है। अच्छा, और उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, उसके आसपास के जो भी रीजन होंगे जहां पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है वहां पे क्या होगा, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, ठीक है, और फीवर भी हो सकता है आपको। तो ये जो तीन प्रोसेस जो होते हैं ना, स्वेलिंग, पेन और फीवर, ये एक तरह से बॉडी अपना लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा साइन है, ठीक है, ठीक है। फीवर वगैरह क्यों करता है बॉडी क्रिएट, क्यों, टेम्परेचर राइज कराता है ताकि माइक्रोब्स को किल कर सके, उसमें वो सेल्स को भेजता है टारगेट एरिया में जहां पर माइक्रोब्स बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, या जिस ऑर्गन को टारगेट कर रहे हैं, ओके। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि जैसे एचआईवी इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें इम्यून सिस्टम पे ही वायरस डायरेक्ट एक्ट कर देता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम पे जब एक्ट कर देगा तो क्या होगा, कोई भी नॉर्मल अगर पर्सन को नॉर्मल अगर इन्फेक्शन भी है ना तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होकर आता है। जैसे हमें अगर कफिंग हो गया ना तो कोल्ड हो गया तो निमोनिया का रूप ले लेगा। जैसे अगर माइनर डायरिया हो गया एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन को तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डायरिया का रूप ले लेता है, ठीक है, ब्लड आने शुरू हो जाता है। तो जो एचआईवी का जो पेशेंट होता है वो कोई और बीमारी एचआईवी से ही नहीं मर जाता है, वो इन डेली जो इन्फेक्शंस हम नॉर्मली झेल लेते हैं ना वो एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन, एड्स इन्फेक्टेड पर्सन नहीं झेल पाता है, ठीक है। तो उसी के कारण उसकी डेथ हो जाती है, नॉर्मल इन्फेक्शन से ही पर्सन की डेथ हो जाती है जो एचआईवी या एड्स इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि एचआईवी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन कैसे मतलब मर जाता है, तो इसका आंसर ये, ठीक है, क्या करता है एचआईवी एड्स वायरस,
वो डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को ही अफेक्ट करता है बॉडी के, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो भी माइनर इन्फेक्शंस को डेली लड़ता था ना, उसको उससे लड़ नहीं पाता है वो बॉडी, ठीक है। क्या होता है, माइनर अगर कोल्ड हो जाएगा पर्सन को तो क्या होगा, निमोनिया का रूप ले लेगा वो, ठीक है। माइनर अगर गट प्रॉब्लम हुआ, पेट का कुछ दिक्कत हुआ तो डायरिया हो जाएगा सीवियर, उसमें ब्लड लॉस भी होता है। और इस तरह इन माइनर इन्फेक्शंस के कारण जो एड्स एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन है ना, वो मर जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।